हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन में हम यूज करेंगे इलस्ट्रेटर की कुछ क्रिएटिव ट्रिक्स का और सीखेंगे इस ब्यूटीफुल फ्लावर को बनाना। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्टार जिसमें रेडियस 1 हमें डिफाइन करना है 200 पिक्सल और रेडियस 2 100, पॉइंट्स हम डिफाइन करेंगे 35। इसके बाद इस शेप में हम अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्म हमें रेडियल रखना है जिसमें आउटसाइड में हम इस कलर को अप्लाई करेंगे और इनसाइड हम इस कलर को अप्लाई करेंगे। इस शेप की एक कॉपी बना लेते हैं। जाते हैं विंडो मेन्यू में, सेलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट और इसके ग्रेडियंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसे छोटा करते हैं। अब दोनों शेप को एक साथ सेलेक्ट करना है और इसमें हम अप्लाई करेंगे ब्लेंड। इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा तो हम जाएंगे वापस ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शन में। स्पेसिफाइड स्टेप्स हम डिफाइन कर देते हैं 75 एंड हिट ओके। अब जो छोटा शेप है उसे हम बड़े शेप के एकदम सेंटर में प्लेस करेंगे, आइसोलेट करके इसे मूव करते हैं। अब ये सेट हो गया। इसके बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम इसमें इफ़ेक्ट डालेंगे ट्वीक। ट्वीक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू 10% है। ये परफेक्ट है जिससे हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा एंड हिट ओके। अंदर वाला शेप इसे हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो आइसोलेट करते हैं वापस ग्रुप को और इसे एकदम टाइनी कर देते हैं जिससे हमें कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा फ्लावर इफेक्ट मिल जाएगा। इसे साइड में रख देते हैं और अब हम ड्रॉ करेंगे लीफ को। लीफ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पेन टूल। पेन टूल से कुछ इस तरह से हम अपने लीफ के फॉर्म को बनाएंगे। ये नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा सा और नीचे लेके जाते हैं और अब सेलेक्ट करते हैं एंकर पॉइंट टूल को और इन लाइंस को हम कर्व में चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, इसे फ्लिप करते हैं, वापस से इसे पोजीशन करते हैं जिससे हमें एक कंप्लीट लीफ मिल जाएगी। इसके बाद इन दोनों पार्ट में हम कलर चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। लाइट डार्क ग्रे कलर हम इसमें फिल कर देते हैं। इसकी आउटलाइन को नन कर देते हैं। इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं कुछ इस तरह से। और अब हम जाएंगे विंडो मेन्यू में, सेलेक्ट करेंगे ब्रशेस। अपने स्लीव को हम एक ब्रश के फॉर्म में चेंज कर देंगे। हम सेलेक्ट करेंगे आर्ट ब्रश एंड हिट ओके, जिससे आर्ट ब्रश ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नेम डिफाइन कर देते हैं लीफ। ब्रश स्केल ऑप्शंस यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्केल प्रोपोर्शनली, जिससे हमारी लीफ का विड्थ एंड हाइट का रेशो प्रोपोर्शनली चेंज होता रहेगा। ये ब्रश से ड्रॉ करने का डायरेक्शन है, हमें टॉप से बॉटम ड्रॉ करना है या बॉटम से टॉप ड्रॉ करना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मेथड में हम सेलेक्ट करेंगे टिंट्स एंड शेड्स ऑप्शन का, जिससे हमें हमारा ब्रश मिल जाएगा। अब आप इस लीफ को डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे ब्रश पैनल में स्टोर्ड है। इसे भी बंद कर देते हैं और अब ड्रॉ करते हैं स्टेम, जिसके लिए हमने सेलेक्ट किया कर्वेचर टूल और कुछ इस तरह से फ्री हैंड एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे विड्थ टूल और इस टूल की हेल्प से यहाँ टॉप पे एक न्यू पॉइंट ऐड करेंगे और उसे थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे जिससे ये वाइड हो जाएगा। उसी के ठीक नीचे एक और पॉइंट ऐड करेंगे और इसे अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे जिससे हमें कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट मिलेगा। आउटसाइड के पॉइंट को भी थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं
तो ये फ्लावर का एक प्रॉपर स्टेम जैसा फॉर्म हमने इस विड टूल की हेल्प से बना लिया। इसमें भी हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, स्ट्रोक एक्टिव करके इसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। इसमें टाइप हमें लीनियर रखना है और स्ट्रोक का थर्ड ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट करके रखेंगे। इसके कलर को हम ग्रीन के शेड में चेंज कर देते हैं, डार्क एंड लाइट ग्रीन। तो जैसा कलर हमें चाहिए था वैसा हमें मिल गया। ये थोड़ा सा साइड में मूव कर देते हैं। इसकी एक ब्रांच भी बनाते हैं जिसमें हम ऐड करेंगे हमारी बनाई हुई लीव्स को। कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ किया। इस स्ट्रोक की थिकनेस बढ़ा देते हैं लगभग 5 पिक्सल। इसमें भी हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे सेम जैसे पहले किया था। और अब ओपन करेंगे ब्रश पैनल को, सेलेक्ट करेंगे ब्रश टूल, लीफ ब्रश सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से फ्री हैंड हम ड्रॉ करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रोपोर्शनली लीफ के साइज में भी हमें वेरिएशन मिल रहा है। इनको सेलेक्ट करके इन सभी लीव्स में हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, इसे फ्लिप करते हैं, थोड़ा रोटेट करके इस पाथ के साथ हम सेट कर देते हैं। इसे भी थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे सेट कर देते हैं। स्टेम को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। अब इससे स्केल डाउन करते हैं, अपने फ्लावर को सेलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ टॉप में ऐड कर देंगे। इसे भी हम अरेंज कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। दैट्स इट, कुछ इस तरह से हमें अपना फ्लावर मिल जाएगा। इस सेशन में बस इतना ही। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ जल्द ही। तब तक सीखते रहिए।